वाइजर लगाने से पहले मेरे को ये वाला वाइजर लगाना पड़ेगा। ये है TVS का ओरिजिनल वाइजर जो BS4 में ऐसा आता है। BS6 में इसका फिटिंग थोड़ा अलग है तो उसका मेरे को आइडिया नहीं है फिलहाल, लेकिन BS4 में ऐसा आता है। फिर इसके ऊपर मैं ये वाली विंडशील्ड ऐसे लगाऊंगा। पहले मैं भी इसको फिट करूंगा, उसके बाद इसके ऊपर उसको फिट करूंगा। और ये वाला वाइजर मेरे को TVS के स्टोर से मिला था। ये कोई भी TVS के स्टोर पे मिल जाएगा। ये मेरे को सिर्फ 225 में मिला था। जो विंडशील्ड आप देख रहे हो ये वाली है बजाज पल्सर AS की। ये बजाज पल्सर AS में आती है। इसके अलावा भी बहुत सारे आते हैं, जैसे कि वो यामा फेजर की एक ब्लैक वाली आती है, लेकिन वो मेरे को इतनी खास नहीं लगी उसकी क्वालिटी। ये मेरे को बजाज के स्टोर से मिली थी। ये मेरे को पड़ी थी 500 रुपीज की, और इसमें ये ऑलरेडी होल्स है तो इसके वजह से मेरे को TVS वाले विंडशील्ड पर भी ये यहाँ पे ड्रिल करना पड़ा था। ये नीचे वाला नहीं, ये सर्कल मार्क किया था, लेकिन इसके ऊपर का ड्रिल किया है। ये ऐसे 4 खाने ड्रिल किए और फिर यहाँ से ऐसे स्क्रू डालेंगे। ये जो ड्रिलिंग किया हुआ है होल, ये मैंने बाहर से करवाया हो। ये घर पर भी कर सकते हो, एक इंडियन जुगाड़ वो खीला गर्म करके, लेकिन उससे इतना क्लीन होल नहीं मिलेगा तो मैंने इसलिए बाहर से करवाया हूँ। और इसको लगाने के लिए ये टूल्स की रिक्वायरमेंट होंगी। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं, सीवे पाना लगेगा, ये 10 नंबर वाला स्क्रू ड्राइवर, और ये कुछ स्क्रूज और नट्स वगैरह लगेंगे। तो अभी हम वहाँ पे इंस्टॉल करने से पहले यहाँ पे करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा आसान। तो मैं ये सबसे ईजीएस्ट मैं बता रहा हूँ इसको इंस्टॉल करने का, और ये बहुत आसान है। ये मेरा तरीका है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही तरीका आप लोग भी यूज़ करें, लेकिन ये सबसे आसान तरीका इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। अगर ये तरीका पसंद आया तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। तो अभी हमें करना है ये दोनों को एक साथ ऐसे जोड़ने का है बस। और ये जोड़ने के लिए यहाँ पे ये स्क्रूज लगाने पड़ेंगे जो यहाँ पे रहे। ऐसे ही 4 स्क्रूज लगाने हैं और इसको और पक्का करना होगा। तो मेरे पास ये लंबा वाला स्क्रू है, इसलिए मैं ये एक्स्ट्रा एक और स्क्रू लगा रहा हूँ दोनों साइड। तो ये मैंने डबल डबल इसलिए लगाया, एक तो ये जगह थी और दूसरा कि इससे डबल टाइट हो जाता है। ये वाला मैंने ऐसे ही लगाया हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि ये वाला साइड खाली था और ये लग भी नहीं सकता इसके अंदर। तो अभी इसको लगाने के लिए सिंपल है, ये तो हो गया एकदम टाइट, ये मतलब बिल्कुल भी नहीं हिलेगा जब तक आप ये नट नहीं खोलेंगे। तो अभी ये लगाएंगे यहाँ पे। तो अभी ये कैसे लगाना है, ये जो इसका होल है ये होल इसके बच्चे में डालना है, सिर्फ ऐसा फिट कर देना, ये वाला होल उसके अंदर डालना है बस, सिंपल है। तो वो डालने के बाद अभी इधर एक स्क्रू लगाएंगे और इस साइड में भी सेम वही स्क्रू लगाएंगे। तो उसके लिए ये 2 स्क्रू लगेंगे, ये वाइजर के साथ ही मिलते हैं ब्लैक वाले TVS के। ये 2 जो नट थे नीचे के वो मैंने जानबूझ के छोटे लगाए, क्योंकि अगर मैं लंबे लगाता तो ये ओडोमीटर वाला प्लास्टिक को टच होता और उसके वजह से ये लग भी नहीं पाती, तो इसलिए मैंने ऊपर में बड़े वाले लगा दिया हूँ, लेकिन नीचे में मैं छोटे वाले यूज़ किया हूँ। तो ये वो बन गया है पूरा कम्प्लीट लुक बाइक का विंडशील्ड लगाने के बाद। ये साइड व्यू में ऐसा दिखता है एकदम, मतलब अभी बाइक पूरी कम्प्लीट लग रही है। और मैं इसके बारे में एक बात बताना भूल गया कि मैं लिंक भेज ही नहीं सकता, क्योंकि ये विंडशील्ड ऑनलाइन में अवेलेबल ही नहीं है। और ये वाला ब्लैक वाले भी TVS का वाइजर ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, ये तो बजाज के शोरूम में मिल जाएगा और ये TVS के शोरूम में मिल जाएगा। तो ये वाला तरीका
ये मैंने अपने मन से बनाया हो, लेकिन कुछ कुछ लोग यहाँ से रॉड या फिर क्लैंप वगैरह भी यूज़ करके लगाते हैं ताकि ये टाइट रहे, वो भी सही है, लेकिन मेरे को वो सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मेरा इसी में ही काम हो गया, इसी में ही ये काफ़ी स्टेबल रहती है। अगर ये आपको पसंद आया होगा तो आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि मेरा ही तरीका यूज़ करें, क्योंकि ये सबसे सिंपल लगा मेरे को, बिना कोई यहाँ पे वो रॉड के आसानी से टाइट फिट हो गई है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो शेयर करो उन लोगों के साथ जो ये वाइजर या विंडशील्ड लगाने का सोच रहे हैं या फिर लगाना चाहते हैं। और अगर बाइक से रिलेटेड और कोई मॉडिफिकेशंस के वीडियोस चाहिए होंगे तो मेरे को बताओ यूट्यूब पे या इंस्टा पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।